नमस्ते दोस्तों, जैसा अभी मैंने पहले वीडियो हिंदी में बनाया था कि रिंग फ्रेम में धागा बनने की प्रक्रिया कैसे है, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे ब्रेकेज के बारे में। दोस्तों, कहा गया है कि धागा क्यों टूटता है। धागा इसलिए टूटता है कि जहाँ पे वीक प्लेसेस हो, कमज़ोर हिस्सा हो। कमज़ोर हिस्सा क्यों होगा? जहाँ पे फाइबर्स जो हैं वो कम हो रिक्वायर्ड से। दोस्तों, इसकी अगर हम जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ ब्रेकेजेस हम बात करते हैं, जैसे क्रील में ब्रेकेज होना, क्रील के कारण ब्रेकेज होना, फिर ड्राफ्टिंग जोन के अंदर ब्रेकेज होना, फिर जोन फ्रंट जोन में ब्रेकेज होना और स्पिंडल पे ब्रेक होना। अब इनको हम तीन हिस्सों में बात कर सकते हैं। मल्टीपल ब्रेक्स होना, ब्रेकेज पर 100 स्पिंडल पर आवर, ये एक क्वालिटी कंट्रोल के अंदर तकनीक है कि 1 घंटे में 100 स्पिंडल पे कितने ब्रेकेज होते हैं, उसके जरिए हमें ये पता लग जाता है कि हमारी रिंग फ्रेम सही चल रहा है या खराब चल रहा है। नॉर्मल केस में अगर अच्छा रिंग फ्रेम है तो 2 या 3 से ब्रेकेज 1 घंटे के अंदर 100 स्पिंडल पे आते हैं। और कारीगर जो है, अगर 8 पीसिंग या 10 पीसिंग करने वाला है 1 मिनट में, तो वो रिंग फ्रेम को कंट्रोल कर लेता है। दोस्तों, जब भी हम ब्रेकेज की बात करेंगे तो इसका मेन रीजन क्या मिलता है ज्यादातर केसेस में? सबसे पहले जो ब्रेकेज है, ये हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। एक तो है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहते हैं कच्चा माल। कच्चा माल क्या है? रोविंग। अगर रोविंग के अंदर पीसिंग सही ना हो, मिक्सिंग में आपने सॉफ्ट वेस्ट ज्यादा ज्यादा ऐड कर दिया, या जॉइंट सही ढंग से नहीं लगाया, या स्ट्रेचिंग हो गई, या रोविंग के अंदर स्प्लिटिंग जो है, कैन जो है उसने स्लाइवर को 2 हिस्सों में बांट दिया और धागा चलता रहा, फ्लफ और फ्लाई जो है आ जाना, मशीन की सफाई ना करना रोविंग की, तो ये बैक प्रोसेस का जो मटेरियल है उसके कारण जो है ब्रेकेज होते हैं। दूसरा पेज है कि ड्राफ्टिंग क्लीनिंग ना हो। ड्राफ्टिंग के अंदर जो स्पेसर जो है, जो बहुत छोटा सा पार्ट है, वो सही ना हो। जो रोलर हैं, टॉप रोलर्स हैं, उनके ऊपर जो है बफिंग ना की हुई हो, उन पे कट्स हो चाकू के मार को, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब लैपिंग होती है तो ज्यादातर कारीगरों को हमने मना किया हुआ है कि भाई हाथ से साफ करें, मगर वो क्या करते हैं, चाकू, जो रिंग फ्रेम के अंदर चाकू की प्रॉब्लम है तो उससे मार्क बन जाते हैं, धागा टूटता है। फिर एक जो सबसे बड़ा जो रीजन है कि फ्रंट रोलर के बाद फ्लूड्स होती है, सक्शन। इसका पर्पस यह है कि जब भी धागा टूटे तो रोविंग जो है, रोविंग जो ड्राफ्टेड मटेरियल है वो चला जाए और मल्टीपल ब्रेक्स ना करें। पर होता क्या, उसकी सफाई नहीं करी बांसुरी की, और जब हम या समय पे अपना जो है वो जो बॉक्स है, सक्शन बॉक्स खाली नहीं किया रिंग फ्रेम में। आजकल तो चलो ठीक है, ऑटोमेटिक आते हैं कि ऑटोमेटिकली वो साफ होता जाता है। ओवरहेड ब्लोअर जो है वो बंद करके चले गए, पता लगा जब डॉफ गिरा तब ओवरहेड ब्लोअर बंद किए थे, उसे स्टार्ट ही नहीं किया, और जब स्टार्ट किया तो फ्लफ एंड फ्लाई जो है गिरना चालू हुआ, ड्राफ्टिंग जोन सफाई नहीं। फिर पार्ट्स, अगर हमारे यहाँ पे जो है ये पिनटेल, जो पिगटेल गाइड है, लैपेट हुक अगर साफ ना हो, उस पर ग्रूव बन जाए, छल्ला समय पे चेंज ना किया हो जो उसका टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे जो ब्रेकेज। एक जो और जो रीज़न आता है वो है कि जो ट्रेवलर को साफ करने के लिए एक क्लियरर होता है, अगर उसकी सेटिंग्स आना हो उससे ब्रेकेज होंगे। रात को आपने काउंट चेंज किया और वो सेटिंग ही ठीक नहीं करी, 30 से 10 पे काउंट कर दिया, बाकी सब चेंज प्लेसेस कर दिए मगर वो ट्रेवलर क्लियरर सेटिंग नहीं करी, ब्रेकेज होंगे। हैंडलिंग प्रॉपर नहीं है, स्टोरेज प्रॉपर नहीं है, और
इनके साइड में हमने देखा होगा सेपरेटर्स होते हैं, अगर सेपरेटर्स जो हैं वो डैमेज हो तो बहुत से रीजन होते हैं, और एक सबसे बड़ा जो रीजन ज्यादातर पाया जाता है कंडीशन, टेम्परेचर एंड आरएच। अगर वो सही मेंटेन नहीं होता तो उसके कारण भी, ह्यूमिडिटी कंडीशन सही ना हो तो ब्रेकेज बढ़ जाते हैं। मशीन को जरूरत से ज्यादा स्पीड, सवेरे हमने देखा अरे प्रोडक्शन कम हो रही है, चलो जी इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ। आपने क्या किया कि डॉफ के स्पीड और शुरू की जो स्पीड है उसे उसको कम टाइम दिया। तो देर आर सो मैनी रीजन्स, ब्रेकेजेस काफी होते हैं, इनको अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने सिस्टम बनाएंगे तो ब्रेकेजेस, बॉबिन टूटी बॉबिन डाल देना, तो ये कुछ रीजंस हैं जिनके कारण ब्रेकेज होते हैं। आशा है आपको ये समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।